सिख धर्म के नौवे सदगुरु महान बलिदानी गुरु तेग बहादुर के शहादत दिवस पर धर्मशाला स्थित जटाशंकर गुरुद्वारे में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसके संबंध में जटाशंकर गुरुद्वारे के अध्यक्ष जसपाल सिंह ने बताया कि तेग बहादुर के शहादत दिवस पर कार्यक्रम किया गया है तथा उनकी शहीदी को याद करते हुए गुरुद्वारे में कीर्तन दरबार लगा हुआ है तथा लखनऊ से आए प्रचारक द्वारा कथा सुनाई जा रही है तथा गुरु तेग बहादुर को समर्पित हड्डियों के जांच का शिविर भी लगाया गया है, जिसमें विभिन्न प्रकार के लोगों की हड्डियों की जांच की जा रही है तथा आने वाले समय में जो बीमारियां बढ़ती जा रही हैं उसके बारे में भी सभी मरीजों को बताया जा रहा है। उन्होंने कहा कि अभी तक 500 लोगों की निशुल्क जांच की जा चुकी है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जटाशंकर गुरुद्वारे के अध्यक्ष सरदार जसपाल सिंह ने कहा, जसपाल सिंह अध्यक्ष गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा जटाशंकर गोरखपुर। आज गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा जटाशंकर गोरखपुर में नवम गुरु श्री गुरु तेग बहादुर जी के शहीदी पर्व को समर्पित कार्यक्रम चल रहा है। उनकी शहीदी को याद करते हुए आज सुबह से कीर्तन दरबार लगा हुआ है। बाहर से लखनऊ से आए भाई बलजिंदर सिंह प्रचारक द्वारा कथा की जा रही है इस समय। इसी तरह से उन्हीं के शहीदी को समर्पित एक हड्डियों की जांच का शिविर लगाया गया है। ये जांच का शिविर
आपके वेदांता लखनऊ के सहयोग से और गोरखपुर रोटरी क्लब युगल के सहयोग से लगाया जा रहा है, जहां पर विभिन्न प्रकार के रोगों की, हड्डियों के रोगों की जांच हो रही है। इसमें हड्डियों की विशिष्ट जांचें भी शामिल हैं। डॉक्टर धर्मेंद्र जी लखनऊ के हेड ऑफ डिपार्टमेंट आए हुए हैं, वो अपनी जाँच से कर रहे हैं। यहाँ पर लोगों को फिजियोथेरेपी भी चल रही है, उनको बताया जा रहा है कि कैसे अपनी जाँच की जाएगी, उनको जो आने वाले समय में और बीमारियाँ बढ़ती जा रही हैं उसको बताई जा रही है। पूर्वांचल जो कि एक बहुत पिछड़ा हुआ इलाका है, उसमें ये 1200-1200 रुपये की फ्री जांच हो रही है, क्योंकि सब लोग आदमी लखनऊ नहीं पहुंच पाते, उनको सुविधा उपलब्ध नहीं है, तो उनका ये सब सुविधा यहाँ पर जांच शिविर लग रहा है। यहाँ पर अभी कार्यक्रम चल रहा है, कार्यक्रम के अरदास के उपरांत यहाँ पर लंगर बरतेगा। बाहर से बहुत लोग आए हुए हैं और लगभग 400-500 लोगों की जाँच आज हो जाएगी। धन्यवाद।